गोडाउन संरक्षण के लिए सरकार ने बढ़ाया एक कदम। कोटा में गोडाउन का बनेगा ब्रीडिंग सेंटर। जैसलमेर डीएमपी से अंडों का कलेक्शन कर भेजा जाएंगे कोटा। डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडाउन संरक्षण के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। हालांकि जैसलमेर के साथ इसमें सौतेला व्यवहार किया गया है, लेकिन गोडाउन को बचाने के लिए ये प्रयास बहुत ही बड़ा हो सकता है। गत साल गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर की घोषणा हुई थी। इसके लिए विशेषज्ञों ने प्रदेश के विभिन्न शहरों के मौसम व अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया था। शुरुआत में जैसलमेर में ही ब्रीडिंग सेंटर खुलने की चर्चा थी, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके लिए कोटा को चुना। ऐसे में अब कोटा में प्रजनन केंद्र खुलने की तैयारी की जा रही है और कोटा में बनने वाले प्रजनन केंद्र में चूजों को रखा जाएगा। जैसे जैसे ये बड़े होंगे उन्हें प्राकृतिक माहौल में प्रजनन के लिए तैयार किया जाएगा और बाद में वहीं पर प्रजनन करेंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा होगा। पूरे देश में गोडाउन जैसलमेर में ही सबसे ज्यादा संख्या में है। ऐसे में प्रजनन केंद्र जैसलमेर में ही होना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके लिए कोटा का चयन किया है। ऐसे में दिक्कत यह होगी कि जिस वर्ष इक्का दुक्का अंडे ही होंगे तो केवल एक दो चूजों को कोटा भिजवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।